हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उजमा किचन्स आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बनाएंगे बड़े के गोश्त का बहुत ही मज़ेदार सा स्टू जो कि बहुत सिंपल तरीके से हम बनाएंगे बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में बहुत टेस्टी होता है सबसे पहले अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेलैकन प्रेस कर लें और तो चलिए हम स्टूव बनाते हैं बड़े का तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर ले लिया है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक किलो पूरी रफली चॉप करी हुई प्याज यानी कि मैंने एक किलो पूरी प्याज इसको छील के मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि स्टोव में प्याज वैसे भी गल जाती तो कुछ ज़्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं है तो इसमें एक दो गाँठी जो थी ना बिनी कटी रह गई थी तो मैं इसको अब दोबारा से काट देती हूँ ये देखिए तो बस मोटा मोटा इसको काट देंगे हम प्याज को और ये हमारी जो प्याज है ना बस इस तरीके से कटी हुई क्योंकि वैसे भी गलेगी प्याज़ स्टोव में गल जाती है उसको बाद में भी भुना जाता है तो फिर इसमें बारीक काटने की जरूरत नहीं है प्याज को तो बस यहाँ पूरी एक किलो प्याज है और इसके साथ में मैंने लिया है पूरा एक किलो बड़े का गोश्त उसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है बड़े के गोश्त के साथ में उसके अंदर एक बोंग भी है बोंग मैंने इसलिए नहीं हटाई मैंने कहा चलो इससे क्या होगा ना इस्टो तो का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा अगर मैं हटा दूँगी तो फिर वेस्ट हो जाएगी वो तो गोश्त में अगर बोंग ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर है तो अच्छी बात है उसमें क्या होगा टेस्ट उसका डबल हो जाता है बोंग से गोश का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है तो गोश को साफ करके धो लिया है और मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पहले मैंने प्याज़ ऐड करी थी और अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है पूरा एक किलो और साथ में बोंग है और अब मैं ऐड करूँगी इसमें सारे मसाले तो चलिए हम क्या क्या मसाले ऐड करेंगे मैं अभी बताती हूँ आपको मैंने एक चम्मच पूरा भर के नमक ऐड कर दिया है और यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाँच हरी लाई हरी वाली मिर्चें और पांच छह लाल वाली सूखी वाली मिर्चें और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ दो चम्मच जीरा और अब मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगी इसमें चार बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसकी जगह पे लहसुन अदरक आप काट के भी डाल सकते हैं लेकिन काट के डाल इसलिए नहीं डाला है मैंने क्योंकि फिर वो मुँह में आता है कभी कभी जैसे खाओ ना तो मुँह में तो यहाँ पे एक बड़ा चम्मच भर के हम धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है और अब मैं डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला पाउडर तो दो दो चम्मच भर के हम गरम मसाला पाउडर इसके अंदर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे मैं इसके अंदर दो चम्मच भर के पूरा गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ तो गर्म मसाला पाउडर जो है ये घर का ही बना हुआ है मैंने घर में ही बनाया है उसको होम मेड मसाला है तो इसलिए मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया अगर होममेड गरम मसाला पाउडर ना हो तो आप साउथ गरम मसाला पाउडर साउथ गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं साथ ही मैंने डाल दिया है करीब एक कप तेल सरसों का कच्चा तेल मैंने ऐड किया है इसके अंदर और अगर आपके पास सरसों का तेल ना हो रिफ़ाइंड ऑयल हो तो वो भी डाल सकते हैं तो एक कप तेल भी डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे इसमें तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे मैंने एक गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब हम ढक्कन लगा के इसमें सीटी लगा लेंगे तो बस मैं ढक्कन लगा रही हूँ और हम सीटी लगा लेंगे क्योंकि तो प्याज भी काफ़ी पानी रिलीज़ करती है तो बस मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन कर दी है और यहाँ पे स्टू बन रहा है तो जब तक कि इसमें करीब छः सात सीटी तो आने देंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए छः सात सीटी के बाद मैंने प्रेशर रिलीज़ होने दिया है इसका और उसके बाद मैं इसको खोला है तो ये देखिए इसमें जो ना गोश्त अच्छे से गल गया है प्याज भी बिल्कुल गल गई है एकदम लेकिन इसमें पानी काफ़ी है तो उसको भी अच्छे से भूनना पड़ेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको हाई फ्लेम पर भूनेंगे फ्लेम को हाई करके इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जिसका पानी वो कम हो जाए और थोड़ा सा जो है ना चिकनाहट इसके ऊपर आ जाए तो हाई फ्लेम पे ढक्कन खोल के इसको भून लेंगे ताकि ये फटाफट से जो है इसका पानी कम हो जाएगा खोल के अगर भूनेंगे तो हमें सिर्फ पानी कम करना है इसका काफ़ी पतला लग रहा था तो बस इसको तो मैंने इसको थोड़ी देर के बाद ढक्कन हटा दिया है मैंने और इसको खोल के भूनना है हाई फ्लेम पर तो देखिए हमारा जो स्टू है इस बस इतनी बढ़िया से खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है स्टू में से और भुना है मैंने काफ़ी देर तक मैंने इस प्रोसेस में टाइम लगा था भूनने में करीब चार मिनट लग गए थे पूरे हाई फ्लेम पे भूनने तो मैंने यहाँ पे स्टोव को चार पाँच मिनट तक भुना है हाई फ्लेम पे और यहाँ पे स्टू भून के तैयार हो गया है बिल्कुल उसको मैं सर्व कर लेती हूँ अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें थैंक यू